आज ना मेरा थोड़ा सा ना मूड अपसेट है। जैद के बर्थडे के लिए बहुत कुछ सोचा था, बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सुंदर लग रहा है रूम। जैद तो भाई मेरी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? होप करते हो सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस बच्चों का रूम हो चुका है रेडी और यहाँ पे वॉलपेपर लग चुका है, जैसे कि हमारे बेबी बॉय बेबी गर्ल है। तो वॉलपेपर की जो थीम है वो भी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे है पिंक कलर का वॉलपेपर और नीचे है ब्लू कलर का वॉलपेपर, ताकि अयान और तूबा दोनों को लगे कि उन तीनों का कमरा ये। तो गाइस आज ना मेरा थोड़ा सा ना मूड अपसेट है, मतलब कि अंदर से अपसेट है, क्योंकि क्या है ना, मैंने जैद के बर्थडे के लिए बहुत कुछ सोचा था और उसका फोटोशूट का भी करवाना था, कल भी करवाना था, कल भी नहीं हो पाया, आज भी करवाना था। सुबह सुबह भैया का मुझे फोन आया 10 बजे कि मैम मैं शूट के लिए आ जाऊँ, तो मैंने अभी पोस्टपोन कराया, क्योंकि ना जैद की थोड़ी तबीयत ना खराब लग रही है, थोड़ा सा ना उसका बॉडी ढीली ढीली हो रही है लूज मोशन की वजह से। मैं उसको भी दो दिन पहले डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसको जो दवाइयां मैं कंटिन्यू दे रही हूँ, बट अभी आराम नहीं है, उसको लूज चूल्स हो रहे हैं, 3 से 4 बार तो कर रहे हैं। तो भाई अभी तूबू भी उठ गई है, शोना भी उठ गई है, मम्मी अभीता भी उठ गई है, भाई साथ ही साथ ना मैं सोच रही हूँ अयान को भी डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। अयान की भी ना बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है, उसको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। फिर दिखा, मैं आंटी को पकड़ना जरा, एक बार नहीं आएगी, एक बार पकड़। तो गाइस ये दिख रहा है भाई आप कैमरे में जी। तो इसका जो हाथ है ना, इस पे यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, पैर पे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पीछे लाल, तो बहुत ज्यादा लाल लाल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ना अयान को ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, जो स्किन का डॉक्टर होता है। थोड़ा सा मतलब मेरा तो आज इतना मन भरा भरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ना दिल भरा हुआ है। दोनों बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो गाइस जब भी जैद की तबीयत खराब हुई है ना, देखो जो स्किन की जो दवाई है ना वो तो हम डॉक्टर से लेके देते हैं, बट ना क्या होता है, जब इंसान लूज मोशन करता है ना, तो वो जैसे जैसे एक स्टूल पास करता है ना, तो बॉडी में से पानी की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर ने बोला हुआ है कि मुझे उसको ओआरएस देने को। और जब भी जैद ना, मतलब अभी 1 साल का है जैद, इतनी बार हॉस्पिटल एडमिट हुआ है, जब भी हो जैद की तबीयत खराब हुई है ना, हमेशा ना उसके लूज मोशन पेट खराब की वजह से हुई, क्योंकि जब से उसको ऑपरेशन हुआ है ना मुझे समझ नहीं आता। मैं इतना ध्यान रखती हूँ, मैंने 4-5 दिन उसको सारी दवाइयां दी है टाइम से, पर पता नहीं आज लड़का इतना ढीला ढीला और उसका बर्थडे है। तो बस मुझे इस चीज की टेंशन है कि भगवान इसको ठीक कर दे, ताकि इसकी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो। तो यहाँ पे जैदू भी उठ गई है। क्या हो गया आपको, आपकी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती है? जरूरी होता है लूज मोशन करना, पता है इतना ज्यादा तबीयत खराब होती है, पता है आपको? आपको पता है आप अच्छे सुस्त सुस्त हो गए हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारी की सारी ना तैयारी करके रखी हुई है, यहाँ पे पीछे मतलब कि सारे जितने भी प्रॉप्स है। मैंने ना सोचा था कि अयान जैद तूबा का ना आज एक फोटोशूट कराऊंगी, जिसमें ना मैं वेली और चीकू का भी, जिसमें ना मैं एक बहुत बड़ा ना वेलकम बोर्ड पे ना चारों बच्चों का, जैसे जैद का बर्थडे होगा ना उसकी एंट्रेंस होगी ना, उस पे ऐसे चीकू जैद अयान तूबा चारों का ब्लैक पिन आकर बहुत सुंदर फोटो क्लिक कराऊंगी। और जैद का फर्स्ट बर्थडे जो प्री बर्थडे शूट होता है उसकी सारी तैयारी, सब सामान रेडी है, भैया का फोन भी आया, बट भैया ना बच्चा जब तक ठीक नहीं होना तब तक इंसान कुछ ये चीजें नहीं कर सकता, तो बस सब कुछ होल्ड पे चला गया। सुबह चीकू के लिए उठी थी, जाती हूँ शावर लेने, फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि जो लड़का है ना ये महीने में 10 दिन बीमार रहता है और मुझे लगता है इसको नजर लग जाती है। और उसके साथ साथ ना मैंने बोला गोलू को कि इसके माथे के बीच में ना काला टीका करके रखा कर, इसलिए कह रही है कि मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे कि काला टीका करने से ना किस्मत काली हो जाती है, कोई किस्मत काली नहीं होती। कमेंट आया था हम ना बीच में यहाँ पे बच्चों के लगा रहे थे ना आईब्रो पे, तब आया था कमेंट, फिर हमने लगाना छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ लगाया माथे के कोने पे, मैंने बीच में लगा पूरा तिलक, शनिदेव का जो टीका होता है बीच में तो लगा। ओहो जय माता दी। तो गाइस मैं तो नहाई भी नहीं, कहीं डॉक्टर ना उठ जाए, मैंने कहा पहले जाकर इसको लेकर जाती हूँ, फिर शाम को जाऊंगी अयान को लेकर। फिर दोनों के डॉक्टर्स ना अलग अलग हो गए, अयान को होगा स्किन की प्रॉब्लम और इसको है लूज मोशन की, इसको तो ठीक करेंगे डॉक्टर साहब। मम्मी पायल आज सुबह सुबह 6 बजे निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, बहुत ही जरूरी काम था उसको मम्मी से, और तो मैंने बोला बाद में चले जाना क्योंकि मुझे 8-10 तारीख को भी जाना था, वो कह रहे नहीं मुझे आज ही जाना है, तो वो अकेले ही चली गई सूरज को लेके। हाँ जी क्या बोल रहा था? अभी बोल रहा था पापा ओए बतक ओए पापा के बच्चे हाथ उठाने लग गए आजकल। हाँ जब ये हाथ उठाए ना इसके हाथ पे ऐसे पकड़ के ऐसे करो, नो हाथ नहीं उठाते बेटा, ऐसे नहीं पता ना भी हाथ उठाने क्या होता है। फेस में इसी की तरह है, ये देखो ये देखना इसको थोड़ा चेक कर, अभी इसने कल जो करे थे, कल इसने करे थे 3-4 times, अभी सुबह से 2 times। तो भाई बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, हम डॉक्टर साहब और हमारे जो मैडम है उनका एक इंटरव्यू करने वाले हैं IVF की जर्नी को लेके, बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलने वाली है उन लेडी को जो बच्चा कंसीव नहीं कर पाते। वेट एंड वॉच, इन्वाइट करने आए स्पेशली, मैंने कल भी करा नूपुर मैम को और सर को स्पेशली इन्वाइट, अब देखो इन्होंने भी कर लिया। ये जो है ना इससे पहले मैंने पकड़ा था तुम्हें पापा से पहले सुन ले इधर भाई हमारी भी सुन, कोई नहीं तुम्हें देख पाया था तेरी शक्ल पहले, मैंने देखी ये स्मार्ट बेबी है और इसकी शक्ल बिल्कुल स्मार्टी पापा से मिलती है। पापा बोलो पापा
तो भैया नूपुर मैम हमारे सामने है, नूपुर मैम से हमने ले ली है अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सीख वाला और बहुत ही खुशी आएगी उस इंटरव्यू से आपके घर में। तो कौन कौन चाहता है नूपुर मैम का इंटरव्यू हम बहुत जल्दी करें? नूपुर मैम बहुत सारी चीजें होने वाली है, मतलब घर करेंगे या नहीं करेंगे IVF को लेके, जो बहने हैं हमारे बहुत सारी लेडीज होती है जो ना कंसीव करने का सोचते है वो नहीं कर पाती, और देखो सबकी लाइफ में ये जो खुशी है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेबी। और जो लोग ना IVF को मिथ समझते हैं, उनको लगता है कि भाई बच्चा किसी मशीन में से उठा के हम उनके अंदर डाल देंगे, तो उन चीजों के ऊपर बात होगी कैसे प्रोसेस होता है, इसलिए होता है ये आपके ही बच्चे होते हैं और आपको ही दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया कोई डोज होती है अलग से कि बच्चा बना हुआ अंदर रख दे, ऐसा कुछ नहीं होता, इसके ऊपर काम करेंगे। नहीं ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो इग्नोरेंस के कारण जो मिथ्स हमारे समाज में प्रचलित है उनको हम दूर कर ही नहीं सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज करेक्ट टेक्निकली, तभी हम हौसला करके प्रोसीड कर सकते हैं, सुविधा उठा सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने घर में बच्चों की रौनक हासिल कर सकते हैं। तो आपको कमेंट करना है बहुत सारे, कम से कम 5,000 कमेंट कर देना कि आप ये इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार रहेगा और बहुत सारे लोगों के घरों में किलकारियां रहेंगी बच्चों की। जैसे अभी सिद्धू मूसेवाले के घर में बच्चा पैदा हुआ उसका भाई, तो मुझे लगा जट दी तो मुझ सी है ना, उन्हें फादर ने कितनी हिम्मत दिखाई, कितनी हिम्मत दिखाई, हिम्मत के साथ लोगों ने कुछ भी बोला पर उसने ये किया। बेशक ये टेक्निकली लीगली कुछ भी हो, बट जब भी जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए आप नेगेटिविटी फील करो, कुछ भी फील करो, हिम्मत ना छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ते रहो और अपनी खुशियों को जरूर हासिल करो। वेरी गुड डॉक्टर साहब। कुछ टाइम पहले ना चीकू के पापा मेरे लिए और पायल के लिए ना बहुत मजेदार खाना लेके आए थे एक आंटी के हाथ का, और मैंने सोचा एक काम करती हूँ यहाँ से निकल रही हूँ खाना भी खा लेती हूँ प्लस आपको दुकान भी दिखा देती हूँ। कभी भी आप इस रोड से आ रहे हो ना तो आंटी के हाथ का खाना जरूर खाना, कि इस खाने को ना खाकर ऐसा लगता है कि आप घर वाला खाना खा रहे हो। ये जो आंटी जी है ना बिल्कुल मेरी दादी जैसी है, और मैंने उनसे पूछा क्या क्या खाने में, सब कुछ बताया, कड़ी है, राजमा है, छोले है, आलू शिमला मिर्च है, क्या खाना आपको, मैंने कहा मैं सब कुछ खाऊंगी थोड़ा थोड़ा। ये हमारी दादी जी और यहाँ पे भाई खाना इतना टेस्टी और इतना नीट एंड क्लीन है ना, मैं तो देखो पर्सनली अंदर आई हूँ, इतनी सफाई से खाना बनाया गया है। तो मैंने उनसे पूछा ये आपकी बेटी है या बहू है, तो उन्होंने बोला बहू है, सास दोनों मिलके खाना बेचते हैं। तो गाइस ये जो दुकान है मैं बता देती हूँ कहाँ पर है, मेरे सामने बिल्कुल हॉपअप है, हॉपअप के अपोजिट वाली रोड पे, ये जो रोड है सीधा चंडीगढ़ को जा रही होती है, तो KFC वाली रोड पर आपको दिख जाएगी। बाहर से भी एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉग्नाइज कर लो, कभी भी रोड से निकल रहे हो ना जरूर एक बार आना और खाना खाना, बहुत ही प्यारा खाना बनाती है दादी जी। आपने क्या खाना? मैं तो भाई आप जो खिलाओगे खा लूंगी प्यार से। तो भाई यहाँ से KFC है और सामने हॉपअप, और ये हमारी आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा सा हम बोल सकते हैं दुकान है, बहुत ही प्यारी। पता क्या हुआ, एक कस्टमर आए के वो पीछे बोल रहे हैं मम्मी को स्पून दे दो, मैंने कहा आप काम करो मैं देती हूँ, मैं स्पून निकाल के दे रही हूँ, कह रहे जैसे मैं यहाँ पे काम करती हूँ यहाँ पे खाना करवा लिया है पैक, अभी से घर जाके खाऊंगी क्योंकि यहाँ पे है जैजू और ये खाने को कर देगा सारा जोश, तो घर जाके खाऊंगी। चलो भाई यहाँ पे जैद का रेडी हो गया रूम, तो भाई हमारी पिंक एंड ब्लू थीम हो गई है रेडी, बहुत सुंदर लग रहा है रूम, जिराफ भी है यहाँ पे, हमारी प्रिंसेस के लिए डॉल भी है, तो देखो ये आनू है, ये जैदू है, चीकू भाई है, तूबा है, ठीक है ये कह रहे हैं मैं। तो गाइस घर आते सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाना खोली और देखो हम उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारा एक और प्लेट रखी हुई है, घर का खाना भी है, और ये जो खाना ना ये बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है। बस मैं एक छोटी सी मदद कर रही हूँ क्योंकि देखो एक बुढ़िया आंटी, उनके बेटे, उनकी बहू एक छोटी सी दुकान चला रहे, तो मैं चाहती हूँ की मेरे को जितने लोग देख रहे ना वो भी जाए और उनकी हेल्प हो जाए। तो ये जीरकपुर मैंने आपको बताया था, जीरकपुर KFC वाले रोड पे है, जब हम चंडीगढ़ जाते हैं और वूप के बिल्कुल सामने, भाई जाना खाना मजा आ जाएगा आपको, बोलूंगा तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ सच में खाना बहुत टेस्टी और एकदम नीट एंड क्लीन। जैद इधर देखो, सिंगर बनना है, सिंगर बनना है, कौन सा गाना गाओगे? तूबा इधर आ बेटी, जल्दी आ, तूबा को पकड़ो भाई, तूबा को पकड़ो, तूबा भाग गई, तूबा को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तूबा को पकड़ो, तूबा को पकड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी बेटी। अभी जैद को डरा जाएगा, जैद देखो आप गलत दोबारा शायद उल्टा था क्या, ऐसे ऐसे रोके बंदूक है आप खुद ही डर रहे हो ये नहीं कितना खुश हो रहा है जैद, चलो घूम लिए अब अकेले, चलो आ जाओ ये भी देख रही है, लो भाई देखो मेरी बेटी तू भी चल पड़ी, आ जाओ जल्दी आ, चल खुद देख रहा है, मेकअप उठा दिया।
मेरी काकी आजे 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 बंदर का बच्चा नहीं बता रहा। चल चल के देखा, दोनों बंदर चल रहे। चलो गुस्सा हो रहा है जैद। चलो भाई चलो, शाबाश आगी 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 तिबू आगी। तो भाई फाइनली कमरे का गेटअप आ गया है, बहुत सुंदर सा कमरा बन गया इन बच्चों का। ये देखो तूबा और जैद पूरे खुश हैं। तो अभी चादर लेके आनी है बहुत ही मजेदार सी। लक्ष्य ऐसी चादर भी लिया सेम, ये भी स्पाइडरमैन में अच्छा लग रहा है। हाँ, डॉल्स वाली भी ले आऊंगी, एनिमल्स वाली भी लेके आऊंगी। कुछ भी ले आ, पर ना नीचे और ऊपर सेम होना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो भाई ये पूरे पार्क में घूम रहे अपने। तो अभी मैंने क्या किया ना, मैंने ना एक ना दरवाजा ही बनवा दिया यहाँ पे, मतलब वो ऐसे अड़ जाएगा, ये बाहर नहीं जा पाएंगे बच्चे। ठीक है ना। हाँ, से ये बाहर फिर वो हाथ मारते हैं ना। नहीं नहीं, फिर क्या ना, इनको इस पिंजरे में रोक के चले जाओ, कहीं खेलते रहो, इसी में मिलेंगे। इधर वो नहीं, इसको अड़वा देंगे ना गेट को, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तूबा देखो दरवाजे के पीछे चली गई है, ये ढूंढ रहा है इसको। वो कहाँ गई तूबा? वो तूबा कहाँ गई? तूबा इधर आ बेटी। क्या बोल रहा है ये? तो दरवाजे के पीछे जाने की जिद करता है, उधर ना धूप है बहुत ज्यादा, ये मना कर रहा है। तूबा भी उधर जा रही है। तूबा 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 इधर आ। जैद पागल पागल हो गए हो क्या? कहना भी मान लिया करो पापा का। तो भाई ये काबू नहीं आने वाले बच्चे, इनकी हरकतें देख लो। इस दरवाजे के पीछे जाएगी, अब ये इसके पीछे जाएगा। हाँ जाओ जाओ। एक और कहाँ भाई? तूबा नींद आ रही है बेटी। तो भाई तूबा को नींद आ रही है, इसकी हरकतों से लग रहा है मुझे। नींद आ रही काकी को मेरी। हाँ भाई चलो आराम से खेलो। वो देखो, ओहो हाँ हाँ, ले लो ले लो, जो लेना है ले लो। पीछे इनके पास बहुत सारे टॉय हो गए हैं, और मैंने बोला कि टॉय ना कमरे से बाहर मत जाने देना, इधर ही रहने देना, और रोज इनकी चादर चेंज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाथ साफ करना है। 10-15 चादर लिया। हाँ भाई हीरो। ओए चमन, चमन नाम रख दूसरा? नहीं, चमन अच्छा नाम नहीं होता। अच्छा पर शक्ल के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, सूट करना चाहिए। हेलो चमन, चमन इधर आओ। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन, और ना पता है बच्चे इतने ज्यादा शरारती हो गए ना, जैद ना, जैद तो भाई मेरी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं, बहुत ज्यादा थप्पड़ थप्पड़ बजाते। तो अभी तूबा ने ना मेरा होट पकड़ा, मैं नहा कर आई थी, टावल पकड़ रही थी, तो टावल पकड़ नहीं आया तो होट पकड़ा और यहाँ से खून आने लग गया। तो बस अभी अयान भी सो रहा है, जैद भी सो रहा है, मैंने उसको दवाई दे दी है और बस तूबा को सुला रहे हैं। तो सच में गाइस आज सुबह से ना इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही थी ना, क्योंकि यार बच्चे की जब तबीयत ठीक ना हो, ऊपर से बर्थडे हो, मेरे को टेंशन इस चीज की थी कि बर्थडे है, हमने सब लोगों को बुलाया है, कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, बस सब कुछ सही रहे। तो बस अभी डॉक्टर के पास होकर आई थी, डॉक्टर ने इसकी एक दवाई चेंज करी है, एंटीबायोटिक को बंद करा है और एक और दूसरी जो मेडिसिन है वो ऐड करी है। तो बस जैद को वो दवाई दे देती हूँ, और बस ये है कि वो ठीक हो जाए और उसके जो लूज मोशन है ना वो कंट्रोल में हो जाए। और मेरे को साथ ही साथ ना अयान को भी लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो मैं अयान को ना स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि ना उसको ना यहाँ से आराम नहीं मिल रहा, मतलब वो ट्यूब्स भी लगा रहा है, वो दवाइयां भी लगा रहा है, उसको एलर्जी की जो दवाई है वो भी दे रही हूँ, बट उसको उससे आराम नहीं मिल रहा, उसकी स्किन पे रेड रेड से रैशेज हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसको किसी चीज से एलर्जी हो गई है, क्या हो गया, तो मैं उसको एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेके जाऊंगी। तो गाइस अभी सुबह सुबह एक पार्सल रिसीव हुआ है, ये ना मैंने साड़ी मंगवाई है जैद के बर्थडे के लिए, क्योंकि जैद के बर्थडे के लिए मेरे पास एक ड्रेस तो है ब्लैक कलर की, बट मेरे को ये था कि ना हम ना अगर ड्रेस चेंज करेंगे, क्योंकि हम हर ओकेजन में दो दो ड्रेस, तीन तीन ड्रेस ऑलरेडी रखते हैं, तो मेरा मन था कि मैं इस बार ना साड़ी पहनूं। तो पायल के पास सेम साड़ी है गोल्डन कलर की, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवा लेती हूं। तो इसका ब्लाउज स्टिच नहीं है, तो अभी मेरे को ये लगा लो, 4 तारीख है और बर्थडे है 6 तारीख को, आज ही जाकर इसका मुझे ब्लाउज देना पड़ेगा ताकि मेरा अर्जेंसी में ब्लाउज बन जाए। तो ये जो साड़ी है ना ये मेरे को दी है वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता ने, और सच में गाइस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और सच में बहुत सुंदर साड़ी, क्योंकि पायल के पास ऑलरेडी है साड़ी, तो उन्होंने मेरे लिए पायल के लिए दोनों के लिए भिजवाई थी, बट उसका ब्लाउज मुझे आया नहीं, वो पायल को ही आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने जो ब्लाउज की फिटिंग है ना वो खुद करवा लूंगी। तो गाइस ये है वो साड़ी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, मुझे नहीं पता है कौन सा कपड़ा है, आई थिंक ये शायद से इसपे पूरा का पूरा स्टोन का वर्क है, मतलब टिश्यू है ना, क्या बता दो, निकालो पहले देख, टिश्यू लग रहा है। हाँ टिश्यू है। हाँ तो टिश्यू की साड़ी बहुत ज्यादा इन होती है, कभी भी इसका फैशन कभी आउट नहीं होता, तो ये साड़ी है, इसका ब्लाउज मैं आज ही दूंगी। तो गाइस मैं घर पर आ गई हूँ किसी काम से, बाहर गई हुई थी, यहाँ पे भैया यान की जो दवाई है वो सारी की सारी स्टार्ट करती हूँ। बच्चों के लिए मैं एक प्यारा सा मॉइस्चराइजर भी ले आई हूँ, जो बहुत ज्यादा बढ़िया है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ना इसकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन की शिकायत हो रही है। तो बस उनको ना डॉक्टर ने बोला जितना हो सके ना उनको हाइड्रेट करो, रात को ना अयान को फुल कपड़े पहनाने हैं, और ताकि उसे कोई भी मतलब ऐसे बाइट या कुछ ना हो। और आज तबीयत की वजह से ना मेरे को मेरा जैद का जो शूट है पूरा कैंसिल करना पड़ा, वहाँ पे पीछे बालकनी में सारा सामान रखा हुआ है, तो बस अभी जैद के जो शूट है उसकी भी प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखो प्री बर्थडे शूट होता है और जिंदगी में पहली बार होता है 1 साल का बर्थडे, और मैं चाहती हूँ कि अयान तूबा जैद तीनों बच्चों का प्री बर्थडे शूट हो, क्योंकि टाइम पे देखो ऐसी चीजें नहीं थी,
मैं नहीं थी तो मुझे नहीं पता था, और सिचुएशन भी ऐसी थी कि हम उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं कर पाए थे। तो बस अभी कल फाइनली जैक का प्री बर्थडे शूट होगा, क्योंकि चीकू जाता है यहाँ से 7:50 सुबह, 7:50 पे निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि शूट वाले भैया को भी बुला लूं 9:00। तो सुबह 9:00 आएंगे भैया और होगा बच्चों का शूट। तो भैया अभी अभी मैं गई थी जिम, अरमान जी के साथ थोड़ा वर्कआउट करवाया है, क्योंकि मैंने तो नहीं किया, मैं सुबह से थकी हुई बहुत ज्यादा। मैं और गोलू जो है टाइम से 10:00 करेक्ट सो जाएंगे, तो ये दोनों बच्चे जगे हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर ना प्यार कर लेती हूँ। हाँ सबसे पहले उनको दवाई दे दे पहले। ठीक है आ जाओ, अब ये तेरे पास आएगा, पहले मेरे पास आता है फिर तेरे पास आता है। इसकी मुंह में इसकी उंगली क्यों दाना, वो दांत की वजह से कर रहा है क्या? हाँ शायद टीथिंग हो रही है ना, पहले दवाई दे दे आ जाओ। एक तो ना ये लाल सी, तू लाल की दवाई लगा। कैसे पीते दवाई आया ना, दिखाओ कैसे पीते है, कैसे पीते बताओ, दिखाओ है कैसे पीते है। वेरी गुड, पानी दो इसका वाला उबला हुआ पानी, एक टपका रह गया, एक टपका। वेरी गुड, जीप से साफ कर लो। वेरी गुड, अयान को दे दिए दवाई, तो ये वाली दवाई है, ये है जैद की। शांति मैं तो दवाई नहीं पीता, दवाई पिला दे बाबू। हाँ फिर वो तो दवाई, आज भी क्या हुआ था, मैंने इसको दोपहर को दवाई पिलानी थी, मैंने जैसे दवाई डाली दोपहर को तो फिर से दही खा ली। मेरे को लगा यार मैं दही के ऊपर दवाई ना दूँ, क्योंकि दवाई बच्चों के ऐसे खोल के रखते नहीं है। तो गाइस अयान और तोबा दोनों बच्चे सो गए, जैद नहीं सोए, तो मैं सोच रही हूँ जैद पे काम करती हूँ, बैलून देती हूँ, बैलून से खेल लेगा, ज्यादा नहीं फुलाती, पर चले फट जाए बैलून। तो गाइस जितने भी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी नई अपडेट होगी, जो भी नया ब्लॉग होगा, वो आपको टाइम से टाइम मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, तो जरूर जाके एक बार सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस बस कल से मैं अपना ना जिम का शेड्यूल भी पक्का करूंगी, क्योंकि ना बड़े दिन हो गए जिम ना जाते हुए, पर आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई जिम जाने की। तो गाइस बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक जिन्होंने हमारा गाना नहीं सुना, नागनी फड़ेगी, ताकि नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जाके जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपना कमेंट भी करना कि आपको गाना कैसा लगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट।